टिक्का आप लोग खाए होंगे लेकिन ये मसाला नहीं ट्राई किया होगा, तो इस बार ट्राई कर लीजिए। इसके लिए हमको चाहिए क्यूब किया हुआ चिकन, मैंने यहाँ पे 800 ग्राम चिकन्स लिया है, बोनलेस चिकन ही प्रेफर करते हैं इसके लिए। इसमें देंगे हम 1 टीस्पून नमक, इसमें देंगे हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इस चिकन को अच्छा से मसाला से हम मैरिनेट करेंगे और देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/3 नींबू का रस और देंगे इसमें हम दही। इसमें देंगे हम करीबन 2 टेबलस्पून दही और इसमें हरियाली के लिए हम जो मसाला यूज़ करेंगे वो है पत्ता और पुदीना पत्ता। इन दोनों को हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। अभी इसमें धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता का जो पेस्ट बनाया है वो इसमें दे रही हूँ और इसको अच्छा से अभी मिक्स कर लेंगे। हमने सारे मसाले को अच्छा से मिक्स कर दिया है, अभी इसको हम थोड़ा टाइम के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे, करीबन 10 to 15 मिनट्स, आधा घंटा भी रख सकते हैं, तो चिकन बहुत सॉफ्ट होगा। फिर चिकन को हम फ्रिज से अंदर से निकाल लिया है, अभी एक एक करके चिकन को हम स्क्वेयर्स के अंदर घुसा लेंगे। अभी ऐसे करके हम स्क्वेयर्स के अंदर इसको दे देंगे। ये अभी सॉफ्ट भी हो गया है क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करके थोड़ा सा रख दिया था, इसीलिए अभी बहुत सॉफ्ट हो गया है। ऐसे करके हम स्क्वेयर्स को पूरा ऐसे करके हम सेकंड वाला तैयार कर रहे हैं। देखिए हमने ऐसे करके पूरा चिकन को ऐसे स्क्वेयर्स के अंदर कर दिया है। अभी एक पैन लिया है हमने, इसमें थोड़ा सा बटर दे देंगे, गैस ऑन कर दिया है मैंने, थोड़ा सा यहाँ पे बटर ब्रश कर देंगे। अभी चलिए हम पैन गरम हो गया है, अभी इसमें हम चिकन को ऐसे दे देंगे। गैस को थोड़ा कम कर देंगे हम, थोड़ा सा और हम बटर दे देंगे इसमें, देख लेना ज़्यादा ड्राई ना हो जाए इसीलिए हम थोड़ा सा बटर दे देंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे फ्लिप कर देंगे और थोड़ा सा बटर भी दे देंगे। ऊपर से थोड़ा सा हम बटर को ऐसे दे देंगे, आप चाहे तो वाइट ऑयल भी दे सकते हैं, इसमें हम थोड़ा सा बटर दे रहे हैं। ऑलमोस्ट डन है, अभी इसको हम बंद कर देंगे। ऐसे करके जितना सारा चिकन है उसको ऐसे कर लेंगे। मेरा हरियाली टिक्का एकदम रेडी है, अभी हम इसको ग्रेवी में दे देंगे, तो ग्रेवी पहले पूरा रेडी होने दीजिए, उसके बाद ये चिकन को उस ग्रेवी में दे। चलिए हम लोग इसका ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। हमने एक पैन लिया है, इसमें हम मस्टर्ड ऑयल दे देंगे। अभी मैंने पैन में 4 से 5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल दिया है, तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है, अभी इसमें हम ऑनियन का पेस्ट दे देंगे। यहाँ पे हम 3 ऑनियन लिया है, उसको पेस्ट कर लिया है।
भी इसमें दे देंगे हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें देंगे हम थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। अभी इसमें देंगे हम थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और थोड़ा सा तंदूरी मसाला और इसको अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे। हम ऐड करेंगे अभी धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता का पेस्ट। अभी इसको अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे। मसाला को अच्छा से हम एकदम फ्राई कर लेंगे। ये मसाला को अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ऐसे करके हम इससे चिकन को पूरा ऐड कर देंगे। ऐसे करके पूरा चिकन को हम इस मसाला में दे देंगे। सारा चिकन को इसमें हम दे दिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे दही। करीबन 1 कप में यहाँ पे दही लिया है और इसको अच्छा से हम मिला लेंगे। अभी हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए। वाव, कितना सुंदर देखने लग रहा है। देखिए गाइस, ऊपर से बहुत अच्छा ऑयल भी आ गया है। अभी ऊपर से हम थोड़ा सा बटर दे देंगे। हम लोगों का चिकन हरियाली टिक्का मसाला पूरा रेडी हो गया है। देखिए कितना सुंदर इससे ऑयल भी निकलने लगा है और ये पूरा रेडी है। चलिए अभी इसको सर्व करते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा दही दे दिया है और यहाँ पे बटर। चिकन हरियाली टिक्का मसाला रेडी है। मेरे चैनल को अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। चलिए बाय।